दोस्तों, प्रीतिस किचन में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ हलवाई स्टाइल गोभी के पकोड़े। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है गोभी, जिसको मैंने ही पहले 3 से 4 बार धो के जो है कट कर लिया है। अब मैं इसे जो है उबाल लूँगी गोभियों को, करीब 50% ज़्यादा बॉयल नहीं करेंगे। इधर मैं गोभियों को उबालने के लिए रख देती हूँ और उबाल आने तक का वेट करेंगे। उबाल आने के बाद जो है आपको 3 से 4 मिनट के लिए उबालना है। तो जब तक हमारी गोभियाँ उबल रही है, तब तक हम बेसन का अपना घोल बना लेते हैं पकौड़ों के लिए जो हम यूज़ करेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे लिया है टाटा संपन्न का बेसन, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है। तो इधर मैं 1 से 1.5 कटोरी करीब बेसन को जो है छान लूँगी। तो इधर बेसन को तो मैंने छान लिया है, अब मैं यहाँ पे ऐड करूंगी थोड़ा सा नमक, आधा चम्मच से भी कम, अजवाइन थोड़ी सी, इस तरह से मसल के डाल देंगे। 1 चुटकी करीब लाल मिर्च, बहुत ज्यादा नहीं ऐड करेंगे, नमक करीब थोड़ा सा हल्दी पाउडर और 1 पिंच बहुत ही हल्का सा जो है सोडा। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गाढ़ा घोल तैयार कर लेंगे। सारा पानी एक बार में नहीं डालना है। थोड़ा और पानी ऐड करेंगे। थोड़ा और डाल देती हूँ मैं इधर। और बेसन को बहुत अच्छे से फेंटना है आपको, कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए। और जब तक इसके जो लम्स है बेसन में, लम्स जो बन जाते हैं स्टार्टिंग में पानी डालने के बाद, जब तक वो नहीं हट जाते। देखिए, यहाँ पे हमारी गोभियों में भी उबाल आ चुका है। देखिए, इतना गाढ़ा मैंने बेसन रखा है, पर मैं थोड़ा सा पतला और करूंगी, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का सा। तो देखिए दोस्तों, मैंने इतना गाढ़ा रखा है बेसन को, आप लोगों को भी इतना गाढ़ा रखना है। तो घोल तो हमारा तैयार हो चुका है, मैं इसे रेस्ट पे रख देती हूँ और अपनी गोभियों को चेक कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे गोभियों को भी 3 से 4 मिनट हो चुके हैं उबलते उबलते। तो मैं गैस फ्लेम को ऑफ करके इसे पानी से निकाल लेती हूँ और ठंडी कर लेती हूँ। तो गोभियों को तो हमने पानी से निकाल लिया है, अब इस देखिए जो थोड़ा पानी निकला है उसको भी मैं फेंक देती हूँ। अब इसी बाउल में मैं इन गोभियों को डाल दूंगी। अब इधर ऐड करूंगी मैं कुछ मसाले। सबसे पहले मैं डालूंगी नमक, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा ही मसाले इधर आपको ऐड करने हैं। लाल मिर्च पाउडर, पिसा हुआ धनिया पाउडर, धनिया पाउडर यहाँ पे एक्स्ट्रा डालना है आपको, और 1/2 चम्मच गरम मसाला। अब अच्छे से मिक्स करना है, मसाला अच्छे से लगना चाहिए। यहाँ पे मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है, ये देखिए दोस्तों। अब हम अपना बेसन चेक कर लेते हैं, इनको रख देते हैं साइड में। तो बेसन को मैं एक बार फिर से फेंट देती हूँ। देखिए कितना बढ़िया बेसन बना है, मैं हाथ से दिखा देती हूँ आपको, एकदम मुलायम। तो आइए अब इनके पकोड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छे से डीप करेंगे, बेसन लगाएंगे चारों तरफ से और इस तरह से लो फ्लेम पे हम इसे
यहाँ पे तेल मैंने दोस्तों देखिए गरम कर लिया था, उसके बाद मैंने लो फ्लेम पर किया इसे। बाकी भी इसी तरह से डाल देंगे। देखिए यहाँ पे मैंने पकौड़े छोड़ दिए तलने के लिए, अब इन्हें छेड़ेंगे नहीं, इसी तरह से रहने देंगे तब तक नीचे से अच्छे से सिक नहीं जाते, फ्राई नहीं हो जाते। तो देखिए यहाँ पे हमारे पकौड़े नीचे से फ्राई हो चुके हैं, तो मैं इन्हें पलट देती हूँ। देखिए कितने बढ़िया से हुए हैं, एकदम अच्छे से सिक चुके हैं। तो दूसरी तरफ से भी सिकने देते हैं, इन्हें इसी तरह से छोड़ देती हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे जो पकोड़े हैं गोभी के, वो बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। आपको देखने से ही पता लग रहा होगा ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों बहुत ज़्यादा क्रिस्पी पकोड़े बने हैं, तो मैं बाकी भी जो है फ्राई कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने सारे पकोड़े जो इसमें डाल दिए, बाकी बस छोटे छोटे जो हमारी गोभी बच गई थी वो रह गई। अब इन्हें भी लो फ्लेम पे फ्राई होने देते हैं। तो पकौड़ों को तो हम फ्राई होने देते हैं, और देखिए मैंने साथ में चाय भी चढ़ा दी है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बोला मुझे तो पकौड़े तो बना ही रही हो, चाय भी बना लो। तो वो दूध भी इसमें डाल दिया है चाय में, चाय में उबाल आने देते हैं। आप लोगों को किस किस को जो है गोभी के पकौड़ों के साथ चाय पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे है ना मेरा बेसन का घोल बच गया था, तो मैं ना इसमें आलू डाल देती हूँ पतले पतले कट करके। वो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरी जो बेटी है ना उसको आलू के ही पसंद है, वो छोटी है, तो मैं हमेशा उसके लिए आलू के ज़रूर बनाती हूँ। मैं वैसे भी बीच में भी बना देती हूँ, वो फ्रेंच फ्राइज भी खाती है तो वो खुश हो जाएगी, खा लेगी। ज़्यादा बड़ी नहीं है मेरी बेटी, 2.5 साल की है। तो देखिए चाय में भी उबाल आ गया है दोस्तों, तो मैं इसे लो फ्लेम पर जो है अच्छे से जो है पकने देती हूँ। और इधर पकोड़े भी मेरे बन चुके हैं, और इन्हें भी मैं निकाल लेती हूँ। ये भी फ्राई हो चुके हैं, देखिए कितने बढ़िया बने हैं। घोल ही इतना बढ़िया तरीके से बना है ना दोस्तों कि बिल्कुल ये पकोड़े भी बिल्कुल हलवाई जैसे लग रहे हैं, फूले फूले जैसे आपको शादियों में खाने के लिए मिलते हैं। ये देखिए, अगर आपको इसकी भी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जो है ज़रूर लिखिए दोस्तों। तो आइए जो है अब हम पकौड़े की जो है प्लेट वो बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम पकौड़े रख देते हैं, देखिए यहाँ पे मेरी चाय भी बन चुकी है। ये लीजिए दोस्तों हमारे चाय गर्मा गर्म गोभी के पकोड़े बनके तैयार है, और कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। मैं इनके अंदर का मसाला जो है वो भी दिखा देती हूँ, और गोभी भी। ये देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया हमारा पकोड़ा जो बनके तैयार हुआ है, और बिल्कुल अच्छे से पक गई है गोभी भी एकदम सॉफ्ट। ये देखिए स्पंजी, जैसे हलवाई बनाते हैं बिल्कुल वैसे।
देखिए दोस्तों, गर्मा गर्म हलवाई स्टाइल हमारे गोभी के पकोड़े बनके तैयार है और मैंने इस पे चाट मसाला भी बुरक दिया है। तो कैसे लगे आपको मुझे कमेंट करके जरूर बताना। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।